हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारा मैम क्लास। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने इसको कैसे लिखा है, a रेज टू पावर n, d रेज टू पावर n, y अपॉन डी एक्स रेज टू पावर n। यहाँ पे माइनस वन हो गया है, फिर ये फर्स्ट केस के लिए, ये हमने किसके इक्वल लिया है, f ऑफ x फंक्शन के इक्वल, और इसको हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो a1, an-1, an, ए टू एंड अप टू सॉन, जो भी वैल्यूज होंगी, ये सभी रिप्रेजेंट करेगा कॉन्स्टेंट कॉफिशेंट्स को, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्म लेंगे। ट्रांसफॉर्म के लिए इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले आपको स्टेप लिखना है टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट अस कंसीडर that it has a transform and that is, यहाँ पे हमने लिया l of y function f of x के इक्वल, इसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, a raise to power n dn y upon dx raise to power n plus an minus 1 d raise to power n minus 1 y upon dx raise to power n minus 1 plus and up to so on a1 dy upon dx plus a not y, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बोथ साइड ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो आपको इस तरीके से लिखना है, taking transform on both side, जब हम दोनों साइड ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी। इसी इक्वेशन में लेना है ट्रांसफॉर्म, t ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, l y equals to a raise to power n t d raise to power n y upon dx raise to power n plus ए एन माइनस वन टी डी रेज टू पावर एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस एंड अप टू सॉन ए वन टी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए नॉट टी वाई। इसको हम सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लेंगे, ट्रांसफॉर्म लिखेंगे इस तरीके से, टी डी एन रेज टू पावर वाई अपॉन डी एक्स रेज टू पावर एन, इसका ट्रांसफॉर्म हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, रूट टू अपॉन पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स डी रेज टू पावर एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू पावर एन एंड डी एक्स। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है बाई पार्ट्स। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग by parts, इस फंक्शन को हम एज इट इज लिखेंगे, t d रेज टू पावर एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू पावर एन इक्वल्स टू रूट टू अपॉन पाई को हमने एज इट इज लिखा है। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस टर्म को एज इट इज लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे e रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा d रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन डी एक्स रेज टू पावर n माइनस वन और y साथ में इसके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट फंक्शन को, तो यहाँ आ जाएगा आयोटा के रूट टू अपॉन पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, यहाँ पे आ जाएगा डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन इंटू डी एक्स, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फॉर एक्स equals to x की वैल्यू हम यहाँ प्लस माइनस इन्फिनिटी ले रहे हैं, एट द बाउंड्री ऑफ फर्स्ट टर्म वैनिशेस, बाउंड्री के ऊपर है ये कंडीशन, तो फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से, t d raise to power n y upon dx raise to power n equals to, फर्स्ट टर्म को हमने रिमूव कर दिया तो यहाँ सिर्फ सेकेंड टर्म चलेगी, आयोटा के रूट टू अपॉन पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई
माइनस आयोटा के एक्स डी एन माइनस वन इंटू वाई डी एक्स एन माइनस वन इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली प्रोसेस है उसको रिपीट करेंगे एन माइनस वन टाइम्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिपीटिंग द अबव प्रोसेस एन माइनस वन टाइम्स एंड वी गेट, जब हम इसको एन माइनस वन टाइम्स रिपीट करेंगे तो हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मिलेगा डी रेज टू पावर एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू पावर एन इक्वल्स टू आयोटा के रेज टू पावर एन रूट टू अपॉन पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स वाई डी एक्स, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं टी डी रेज टू पावर एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू पावर एन इक्वल्स टू आयोटा के एन, और ये क्या बन रहा है ट्रांसफॉर्म, तो इसको हम लिख लेंगे ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लिया है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस जो है वो रिपीट करेंगे फॉर द सेकेंड इक्वेशन एट द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ द टाइम्स, और हमें वहाँ पे वैल्यू मिलेगी ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन ए रेज टू ए एन आयोटा के रेज टू पावर एन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन वाई प्लस ए एन माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा के एन माइनस वन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन प्लस एंड अप टू सॉन ए वन आयोटा के टी वाई प्लस ए नॉट टी वाई, ये आ जाएगा। अब इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए एन आयोटा के एन प्लस ए एन माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा के एन माइनस वन प्लस एंड अप टू सॉन ए वन आयोटा के प्लस ए नॉट। ट्रांसफॉर्म को हमने क्या किया, यहाँ पे बाहर कॉमन निकाल लिया क्योंकि सभी टर्म के अंदर आ रहा है ट्रांसफॉर्म। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है ना इस टर्म को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे पी आयोटा के इक्वल, लेट कर लिया हमने इसको। जब हम ये मान रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू पी आयोटा के, इस पूरी वैल्यू को हमने पुट कर दिया और यहाँ क्या बचा है ट्रांसफॉर्म, तो उसको हम लिख लेंगे टी वाई। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई और इसको हम कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हमें लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 4, फोर्थ इक्वेशन से हम वैल्यू लिखेंगे ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई फंक्शन इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्म ऑफ एल ऑफ वाई फंक्शन इनटू पी आयोटा के माइनस वन, इनवर्स में हमने इसको लिख दिया है तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिखेंगे टी ऑफ वाई फंक्शन इक्वल्स टू टी, इसको हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल ले सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे आ जाएगा पी आयोटा के और इसका क्या चलेगा इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर एफ ऑफ के जो है वो किसके इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के, एंड जी ऑफ के जो है वो किस फंक्शन के इक्वल होगा इस फंक्शन के, तो उसको हम इस फंक्शन में रिप्रेजेंट कर लेंगे। यहाँ हमारे पास टर्म आ जाएगी एफ ऑफ के इंटू जी ऑफ के, आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो हियर एफ ऑफ के इज फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन एंड जी ऑफ के इज फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं 5। अब देखो अगर वाई फंक्शन है एक्स का तो हमें उसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मिलेगी फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो इनवर्स ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या आएगी आपको पहले लिखना है एस वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स बाय इनवर्स ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन 5 वी गेट, जब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें फंक्शन मिल जाएगा y of x equals to t inverse f of k into g of k। ठीक है, हमने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ी थी, उस थ्योरम के अंदर हमने क्या पढ़ा था f of k और g of k का जब फोरियर ट्रांसफॉर्म हम देखते हैं तो वो किसके इक्वल आता है f of x और g of x के इक्वल आता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इसको हम इस तरीके से लिखेंगे t inverse f of k इंटू जी ऑफ के
इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्रोडक्ट जी ऑफ एक्स किसके इक्वल था, 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू, ये आ जाएगा। इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 6। इससे पहले आप लिख सकते हो बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5th and 6th इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 5th और 6th इक्वेशन से हमें यहाँ पे वाई ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू मिल रही है 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। यही सेकंड इक्वेशन थी फोरियर ट्रांसफॉर्म की। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।